ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 15 मई 2023। आज बाबा ने सर्विस की नई नई युक्तियां निकालने के लिए कहा कि चलते फिरते ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। ज्ञान का विचार सागर मंथन ही बुद्धि का भोजन है। फिर ज्ञान अमृत की धारणा करने के लिए व बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए कहा कि बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। फिर आज और कल का राज समझाते हुए कहा, आज पुरानी दुनिया है, कल फिर नई दुनिया होगी। आज है रात, कल दिन होगा। फिर कहा, बच्चे आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म सतयुग में होगा। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने के लिए। बाबा कहे, विचार चलना चाहिए, मनुष्य को कैसे समझाए और समझाना है। अब संगम है, दुनिया बदल रही है। फिर बाप, टीचर, सतगुरु तीनों संबंधों को फॉलो कर उनका शो करने के लिए कहा। फिर गुह्य बात समझाते हुए कहा कि बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा का ही मनुष्य सिजरा है, इनको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है, एडम ईव भी कहते हैं। और कहा, स्मृति रहे कि हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो भी प्रफुल्लित रहेंगे। याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। फिर याद पर और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो, रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था जम जाएंगी। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। आज मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बाप का बनते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है, पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा मात पिता है। मात पिता मिले तो हो गए आस्तिक। मात पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वह अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है, बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता ही है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाप ही बनाएंगे, बाप है पतित पावन।
दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल सतयुग में नहीं होंगी। ऐसे नहीं, आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है, कहा ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति को जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं। अनेक प्रकार की मते हैं, जिसने जो बात समझाई उनका मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को समझाना है। परमपिता परमात्मा सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग हो जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे, कितना अंधियारा है। तब बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भगत याद करते हैं। भगत सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है? बाबा कहते, पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्मा में लीन होंगे। बाप समझाते हैं यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैशालय कहा जाता है। बाबा कहे, मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग। अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवता थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आते, पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकी लधे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं ले सकते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे सतयुग में नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है। सिजरा कैसे बनता है? सिजरा आत्माओं का भी होता है। बाबा कहते हैं, मनुष्य सृष्टि का सिजरा कैसे बनता है? परम धाम में जाने के बाद आत्माओं का सिजरा कैसे बनता है? यह तुम बच्चे अभी जानते हो, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण उनका घराना। नंबर वार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है। वहाँ सतयुग में यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में दो कला कम हो जाती हैं, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थूर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाप ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फिर फॉलोअर्स शो गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप हैं, वह है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाप कहते हैं,
तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमसो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, यह बुद्धि के लिए फूड व खाना है। बाबा के दिल है, यह गोले का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए। चक्र पर किसी को भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए, मनुष्य को कैसे समझाए। समझाना है, अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ सतयुग में एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं, यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है। रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ब्रह्मा का ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता हैं तो सृष्टि कैसे रची। एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते, परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं, यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते हैं पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं, वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाई, पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी हैं, टीचर भी हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनने से दूसरे कान से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं, याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा, और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्त बाबे नंबर वार है ना, ऊंचे ते ऊंच भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। बाबा कहे, वास्तव में काल मृत्यु आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो, शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे, यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाप कहते हैं, यह मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं, लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ शरीर है। मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ ब्रह्मा बाबा का शरीर मुकरर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा। बाप समझाते हैं, तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधा धोरी करती हैं,
अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म मिलता है, यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा न सके। पतित पावन भी गॉड फादर हैं, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं परम धाम। यह भी याद रहे तो भी प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, रात को जाग कर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थाई जम जाएंगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते, राम राम जपते थे, माला का राज अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आता है। बाबा कहते, एकांत में समय में तुम्हारा योग ज्यादा अच्छा लगेगा, तो खुशी भी ज्यादा होगी, मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। अर्थात कहते हैं ना कि जिसका मन शुद्ध और पवित्र होता है तो वो वृंदावन में रासलीला देखता है। ऐसे यहाँ बाबा कहते हैं कि जो पवित्र होंगे वही पूरी प्राप्ति करेंगे, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है, इसलिए सावधान रहना है। पवित्र जरूर बनना है तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं परम धाम, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। आज बाबा ने वरदान दिया, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे गे करना अर्थात कमजोर बनना, ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे विजय बनेंगे, तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा, अर्थात स्थिति का पता चेहरे से पड़ जाएगा और दूसरों को भी वह खुशी दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।